बुरहानपुर जिले में बाढ़ के चलते निचली बस्तियों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस बाढ़ के पानी से शहर के करीब 600 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने राहत कैंपों में शिफ्ट करने का काम किया है। वहीं बुरहानपुर खंड व सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और प्रशासन की बाढ़ के दौरान की गई मदद की जानकारी दी है। इसके साथ ही सांसद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की बात कही। हमें कमिश्नर महोदय इंदौर से लगातार कमिश्नर महोदय पूरे दिन इसको मॉनिटर कर रहे थे। उनका यही था कि कहां कहां पे बैरिकेडिंग लगाई गई है, कोई ऐसी दुर्घटना की स्थिति तो डेवलप नहीं हुई है। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो पूर्णतः एक्टिव था। एडीएम साहब वहां से पूरा मॉनिटर कर रहे थे, हमारे तहसीलदार एसडीएम सभी। प्राकृतिक आपदा है और हम लोगों ने महीना भर पहले का परिदृश्य देखा कि सब दूर फसलें सूख रही थी, सब दूर हाहाकार मच रहा था, पानी न होने के कारण बिजली का संकट भी निर्मित हो गया था। लेकिन हमारे जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई कि मेरे प्रदेश पर कृपा करो, और महाकाल ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी सुना और झमाझम बारिश हुई। लेकिन अब बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि सभी दूर नदी नाले उफान पर आए और ये परिस्थिति निर्मित हुई है, क्योंकि किनारे हो जो निवास करते हैं उनको थोड़ा बहुत परेशानी तो आती है।